ऐश्वर्या जी। आयोजन चाचू जी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एकदम बढ़िया। वैसे आप संगीत में क्या करने वाले हो? कौन से गाने पे डांस करने का सोचा है? चाचू जी, संगीत कल है, आज सगाई है, उसके बाद कीजिए। हमें तो उसी का इंतजार है। कि कुछ नहीं कुछ नहीं। चंपा आओ इधर, आओ चमकीली चंपा। आज तुम्हारी शादी की शॉपिंग करनी है। कौन से फंक्शन पे क्या क्या साड़ी पहननी है वो सब सेठ जी ने बताया होगा। हमारे पास एक से बढ़कर एक साड़ी होती है। पहले एक तो दिखाओ। देखिए ना, मैंने आपके लिए चुन चुन के साड़ियाँ लाई है सबके लिए। अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाना। हाँ ये देखिए, अभी बहुत ट्रेंडिंग का पैटर्न है ये, और ये काफी अच्छा भी लगेगा दुल्हन पे। नहीं, मुझे नहीं लगता ये अच्छी लगेगी। भले ये ट्रेंडिंग हो पर हमें ऐसी नहीं चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही बटबटी दिख रही है मुझे। अच्छी होनी चाहिए एकदम। लड़की वालों का भी ऐसा ढक पड़ना चाहिए। बाहू, तू इतनी चिंता क्यों करती है? तू अकेले ही लड़के वालों पे काफी है। काई तेरी ससुरा तुमसे तो। देखो देखो, चढ़ गई चने के झाड़ पे। चंपा के लिए शॉपिंग हो रही है क्या? नहीं, बस साड़ियों की शॉपिंग चल रही है। अच्छा, आपको लेनी है कोई? ना ना, मैंने शॉपिंग पहले ही कर दी है मेरी सारी। वो तेरे जैसी कछुए की चाल नहीं है मेरी मिस ब्यूटीफुल। सफेद सफेद खरगोश है खरगोश। अंत में कछुआ ही जीतता है। चुप कर। ये भी दुल्हन है? नहीं नहीं, वैसे हम चाहते जल्दी इनकी शादी हो, पर क्या करे, अब मैडम तैयार नहीं है शादी के लिए। अच्छा, नहीं वो मुझे ऐसा लगा। ए बहू, अपना मगरमच्छ जैसा मुंह बंद कर जरा। आप सबको भी लेनी है सगाई के लिए साड़ी? नहीं नहीं, हर फंक्शन के लिए नए कपड़े, बस दुल्हन को दिखाओ। हम बस शादी के लिए लेंगे नए कपड़े, इतना बजट नहीं है हमारा। ये वाली बेस्ट रहेगी शायद। कितनी ओल्ड फैशन साड़ी है, बिल्कुल मेरी बहू जैसी। ऐसी साड़ियां तो मेरी सास पहना करती थी। ये मत दिखाओ, कुछ अच्छा सा मॉडर्न होना चाहिए। तू रुक जरा। एक भी। अरे अरे अरे, ढंग की साड़ी नहीं दिख रहा तू। ससमा मिस ब्यूटी चंपा, दिस वन इज सो गॉर्जियस। हाँ ये वाली अच्छी है। आइए आप ही बैठिए, सब कुछ आप ही कीजिए। ए सैशी, क्या हुआ? मैंने हमारे वॉचमैन के लिए सगाई में पहनने का सूट लाया है। हे, दिखाओ तो। ये देखो ना। एक मिनट, सुमित्रा बहन, निशांत को लेके आओ। शशि बहन, वॉचमैन, अभी वॉचमैन ने निशांत आ गया है। विकास के पापा ने निशांत के लिए सगाई पे जो सूट पहनते ना वो लाए। अच्छा, दिखा ये तो। निशांत, ये देखो। वाओ शशि बहन, ये तो एकदम ब्रांडेड दिख रहा है। ब्रांडेड ही है। अच्छा, ये लो। निशांत, एक बार ट्राई करके आओ ये। लड़के वाले बाजी मारने वाले हैं, देख लेना। वो तो मुझे पता है, हम भी बाजी मारेंगे। वैसे संगीत में क्या करने वाले हो? संगीत के दिन देख लेना। आ रहा है एकदम अच्छे से। बहुत सारा। चलो बाकी की तैयारी करते, कब शाम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और नहीं तो क्या, मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हमारी तैयारी तो सब जोरदार चल रही है। आपकी कैसी चल रही है? हमारे भी आपके जैसे एकदम जोरदार। अभी आप थोड़े काम कर देंगे? ये है ना, ये सब यहाँ पे लगा। मैं ये लगाऊँ यहाँ पे? हाँ, हम लड़के वाले हैं, हम काम नहीं करेंगे। तो क्यों, शादी सिर्फ लड़की वालों की है, आपकी भी तो है ना? दो लगेंगे सर। मेरा हाथ वहां तक नहीं जाएगा। पर वो देखिए चेयर। अगर मुझे यहाँ पे श्रेया की दादी ने देख लिया तो कहेगी बंदर आ गया बंदर। जल्दी से दो मुझे वो। टेढ़ा है वो। टेढ़ा का ही सीधा है ये। थोड़ा इधर।
अभी भी टेढ़ा ही लग रहा है मुझे। ओ मैडम आपकी आंखें टेढ़ी है। उतर नीचे कुछ काम भी नहीं हो। अभिजीत क्या हुआ? जाइए आपको बुलावा आया है। हल्दी के लिए दिखाओ। हल्दी ये रही। छी ये देखिए ससमो ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ ये वाली अच्छी है चंपा। चंपा पसंद आई ना ये? हाँ ठीक है ये फिक्स कर दो। हल्दी के लिए फिक्स। अभी क्या बाकी है? संगीत? नहीं नहीं संगीत के लिए हम कुछ और डिसाइड कर रहे हैं। साड़ी नहीं पहनेंगे। अच्छा ठीक है संगीत में साड़ी नहीं पहन रहे हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट शादी के लिए दिखाओ। ये भी लाइक शादी के लिए ये भी अच्छा है। दिखाई दिखना जरा वो देखिए देखिए ससमा ये अच्छी दिखेगी। तू ही ले ले बहू। ठीक है मेरे पास एक साड़ी है पर उसका बजट जरा ज्यादा है। चलेगा चलेगा आप बजट का इतना ये मत देखो। हमारी चंपा शादी में ऐसी चमकनी चाहिए बस। ये देखिए ससमा। बहू फिक्स कर दो ये। ओके अभी मुझे दिखाओ शादी के लिए कोई अच्छी। चलो अभी मैं चलती हूँ। आपको नहीं पहनी साड़ी? नो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं शादी में क्या पहनूंगी। जेनी ये क्या कर दिया है? वो मैं जरा फोटोज क्लिक कर रही थी। यहाँ पे आओ ना। अच्छा ये पहनो ना। कहाँ पे? अपने गले में पहनो। मैं पहनाती हूँ। काफी अच्छे दिख रहे हो तुम। थैंक यू जेनी। एक फोटो निकालते हैं हम दोनों का। ओके मैं निकलता हूँ। स्माइल। ओ कॉल आ रहा है मैं जाता हूँ। क्या ये लोग काम करते हैं पता नहीं। यहाँ पे कौन लगाएगा? हेलो श्रेया के पापा। हो गई शादी की तैयारी? मेरी तो सब तैयारी हो गई। आपकी? हमारी भी चल रही है। वो दिख रहा है दूल्हे से पहले आप खुद ही दूल्हा बने हो। क्या शर्मरी से आप? ओह क्या है इतना देर लगता है डेकोरेशन करने के लिए? हाँ कर रहा हूँ डेकोरेशन ही कर रहा हूँ। देखो ना शर्मिला जी ये विंडो सुबह से ऐसे ही पड़ा है। मैंने अभिजीत को कहा था उसने कुछ नहीं किया। श्रेया के पापा अभी आए पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ऊपर आइए बहुत सारे काम है शाम को सगाई होने वाली है। ये बीवी लोगों की बहुत कचकच होती है। चुपचाप ऊपर आइए बहुत सारा काम बाकी है। लगता है लड़की वाले कुछ ज्यादा ही स्लो है। क्या बोली आप सुमित्रा जी? शर्मिला जी मैंने कहा लड़की वाले कुछ ज्यादा ही स्लो है। हमको देखिए कितना फास्ट काम कर रहे हैं हम। अच्छा हमको जरा ज्यादा काम होता है हम लड़की वाले हैं। आपका क्या है आने का बैठने का ठुसने का? करना तो हमें पड़ता है ना सर। ए शर्मिला ये सब काम तो लड़की वालों का ही होता है हमारा कुछ काम नहीं होता। सुगंधा जी शादी क्या सिर्फ लड़की की होती है? अरे लड़के वालों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? या सिर्फ मेंढक के जैसे बैठने का डर डर करने का? एकदम बराबर ससमा। ईबा लैला जी ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। सुगंधा जी जमाना बदल रहा है अब सारे काम दोनों फैमिलीज को मिलकर करना चाहिए। और नहीं तो क्या? ससमा ये देखिए मुझे ऐसा लगता है शर्मिला एकदम बराबर बोल रही है। नया जमाना है हमें मिल बांट के काम करना चाहिए। वाह सुमित्रा पहली बार तेरे मुंह से कुछ अच्छा सुनने को मिला। ठीक बा अभी हम क्या बोल सकते हैं आप सब ने सोच ही लिया था दोनों मिलके करते हैं। और हाँ सुगंधा जी सासुमा मुझे पता है आप लड़के वाले बन गए हो पर प्लीज लड़ना मत दोनों। हाँ क्या है सोसाइटी में खुशी का माहौल है उस पे आप दही मत डालो। ये बात हम दोनों से ज्यादा तुम दोनों बंदरी चुचुंदरी पे लागू होती है। जे बात एकदम बराबर की लैला।